आइए पद्म विभूषण महाकवि गोपाल दास नीरज से गुजारिश करते हैं। और दादा इन सब में 2000 लोग सामने बैठे हैं। हेलो दोस्तों, मैं भाई रंजीत चाहूँगा कैसे शुक्रिया अदा करूँ कि वो आज व्यक्ति हैं जिन्होंने कि गंगा जमुनी संस्कृति को आज तक जीवित रखा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एकता अगर आप चाहते हैं जैसी एकता इन्होंने स्थापित की है, शेर शायरी मातृत्व तो हिंदुत्व तब तो ये पाकिस्तान एक हो सकता है। राजनीति तो अलग करती है, अलग करके देखती है, लेकिन साहित्य के लोग रंजीत जैसे लोग इस माहौल को जिंदा रखे हुए हैं कि हम और पाकिस्तान के लोग जाते हैं शहर से शहर पढ़ने के लिए। हम तो दोस्तों के रहते हैं और छात्र छात्र लिखते हैं, वही जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ने के योग्य नहीं हूँ, सही बात तो जी अब चल जाते हैं। फिर भी एक शेर पढ़ रहा हूँ। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह। आहा, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह। तुम्हारी याद जो ताम्र मेरे साथ रही, तुम्हारी याद जो ताम्र मेरे साथ रही, प्यार से रखा उसे ख्वाबे आखिरी की तरह। आहा, ख्वाबे आखिरी की तरह। और शेर खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली आज फिर उनके मकान की। आज फिर उनके मकान का शेर है। हम तेरी चाह में यार वहाँ तक पहुँचे, हम तेरी चाह में यार वहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। सदियों सदियों न वहाँ पहुँचेगी दुनिया सारी, सदियों सदियों न वहाँ पहुँचेगी दुनिया सारी, एक ही घूंट में मस्ताने जहाँ तक पहुँचे। हम तेरी चाह में यार वहाँ तक पहुँचे। विशेष सुनेगा, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी, न हिंदू न मुसलमान, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी, न वो हिंदू न मुसलमान, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुँचे। हम तेरी चाह में बस एक आज मुक्त पढ़ रहा हूँ। हम मिले दोस्त कहे बिछोड़ने के लिए होता है सब कुछ। कविता क्या चीज़ है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। हम लोग मिले हैं बिछोड़ने के लिए होता है, पति पत्नी मिलते हैं बिछोड़ने के लिए मिलते हैं, मानव होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। वाह, दूसरी चीज है, सिर्फ छुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ छुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ एक मुसाफिर आप। आहा, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो के नाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए। वाह, अद्भुत गणतंत्र के अद्भुत हैं षड्यंत्र, अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत हैं षड्यंत्र, संत पड़े हैं जेल में डाकू हैं स्वतंत्र। आखिरी क्या पढ़ता हूँ, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। इन सब दो साहब रंजीत को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे अपने सजाएंगे दादा कारवा, अरे 2000 लोग कर रहे हैं, अरे तरन्नुम में, अरे हम तो पढ़ पाए, हम तो बोल नहीं पाए, कोशिश तो करें आप सब कर लेंगे। हाँ, जब सब कारवा के पढ़े हैं, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, टूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते। गुबार ही रह गया शेर, मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया उधर गया, या उधर गया या उधर गया। इधर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत वो, एक भाई जरा देख के चलो जरा। अरे हाँ,
ये मैंने राज कपूर के लिखा था सर्कस के माध्यम से, जीवन का दर्शन है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई जरा देख के चलो। तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता दुनिया होगा। और ये दुनिया एक सर्कस है, खड़े होके तो करे दोस्तों। हाँ, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।